सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड अंतर्गत चांदमुनी इलाके में चोरी का मामला आया सामने। यहां मकान मालिक के साथ किराएदार के घर में हुई चोरी, खाली मकान को निशाना बनाकर चोरों ने नगदी व आभूषणों पर हाथ साफ किया। बता दें कि परिवार के लोग अपने रिश्तेदार के घर गए थे, इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी मिली है कि चांदमुनी इलाके के निवासी किशोर कुमार साहा की पत्नी रक्षाबंधन त्योहार में अपने मायके गोशपुकुर गई हुई थी। रविवार शाम को किशोर कुमार साहा अपनी पत्नी को लेने के लिए गोशपुकुर गए थे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाके देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने न सिर्फ किशोर साहा के घर बल्कि उनके किराएदार के घर में भी चोरी की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों घरों से बदमाशों ने नगदी और सोने के आभूषण मिलाकर लाखों रुपए की चोरी की है। किशोर कुमार साहा ने कहा कि दोपहर तक सब कुछ ठीक था। शाम को कुछ समय के लिए जब मैं अपनी पत्नी को लेने घोषपुकुर गया था उस समय घर खाली था, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लॉकर से सोने के गहने और नगदी लेकर चंपत हो गए। नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। आसपास में ही हुआ था कुछ दिन, उसका घर में हुआ था। लगभग डेढ़ दो महीना पहले जैसे हुआ था, 1.5-2 लाख रुपया कितना गहना वगैरह हो, मगर उसका कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ अभी तक। ये चांदमुनी हॉस्पिटल लाइन ओल्ड माटीगर रोड 47 नंबर वार्ड में होते हैं। करने वाले आसपास में ही है, बहुत सारा ड्रग्स एडिक्ट है इधर आसपास में, ठीक है। अब किस पर शक करेंगे? यहाँ क्या है कि 2 बजे तक तो मैं घर पर था, सारा चीज़ ठीक ही था। उसके बाद फैमिली को लाने के लिए घोसपुर गया, और जैसे आ रहा हूँ 8 बजे तक देख रहा हूँ ये रूम वूम खुला हुआ है, वो भी रूम खुला हुआ, अंदर घुस रहा हूँ तो सारा कैश है, ऑर्नामेंट सब गायब है, ताला सब टूटा हुआ है। घोसपुर गए थे, हाँ, रात ही में गई थी तो उसको लेके आई। हाँ, दोपहर में 2-2.5 बजे तक घर पर ही था। अच्छा। सारा बंद उन करके उसके बाद मैं यहाँ से निकला तो वही आते आते 7:30 ऐसे हो रहा था, आके देख रहा हूँ सब खुला हुआ है। वही आके देख रहा हूँ तीनों रूम गहना उना किचन में भी है वहाँ पर। अब वो तो बताने में जितना भी गहना था सारा ले गया, कैश वगैरह कम से कम 20-25 हज़ार रुपये जैसा होगा खुला। इवन पूजा के घर के पास में जो गुल्लक उल्लक था सारा तोड़ उड़ के ले गया, कुछ होगा 60-70 हज़ार रुपये का जैसा होगा। सारा बल्ला उल्ला था और बेटा का ये हनुमान सब था, उस हिसाब से तो नहीं बता सकते हैं। एक्चुअली खाली लॉकेट सब था और वो कानून का था, वो बीच वाला अलमारी में रखे हुए थे लॉकर में। और उसका एक्चुअली चाबी मैं हमेशा बक्सा पे ही छोड़ के चली जाती थी ना, और मेरा तो दुकान है सामने में, तो मैं इतना बजे से सुबह शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दुकान पे ही रहती थी, घर पे रहती नहीं थी। संदेह किस पे करेंगे, यहाँ का ही है जो ड्रग्स व्रग्स लेते हैं उसी पे संदेह हो रहा है। इससे पहले भी चोरी हुआ है इस मोहल्ला पे, पास में ही हुआ है लेकिन कोई खबर नहीं हुआ अभी तक। वहीं किशोर कुमार साहा के किराएदार गीता उराव ने कहा कि बीते कल रात को उनके घर चोरी की घटना फोन पर मिली। इधर इस संबंध में रात को ही माटीगढ़ा थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।